Right, so now we are going to start with the specimen paper. This is the specimen paper we have. In that specimen paper, we are going to discuss about the questions related to locating error. Error detection भी होता है, locating error भी कहते हैं. इसमें ऐसा होता है कि आपको error दिए जाते हैं और वो error जो है आपसे कहता है कि आपने error जो है वो identify करना है. तो read the section of the pseudo code. दैट इनपुट 50 नंबर, इन चीज़ों को ज़रा गौर से देखना है. एंड स्टोर्स दैम इन एरे, 50 नंबर लेके एरे में डालेगा. स्टोर्ड नंबर के नाम से एरे है. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 1 से लेकर 50 है. ओनली नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100 कैन बी स्टोर्ड. 0 से लेकर 100 तक स्टोर हो सकते हैं, बाकी उसके अलावा कुछ भी होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, आई कैन गिव यू 2-3 मिनट्स. ठीक है, फ़ौरन से कराऊंगा तो फिर वो बात नहीं रहेगी. आपसे कह रहा है कि यहाँ पर इसमें 6 एरर्स हैं. एक ही चैट के अंदर सारा जवाब लिखना आपने. ठीक है, तो 25 हो रहे हैं, 28 तक का टाइम दूंगा और फिर देखता हूँ कि आप में से क्या रिस्पॉन्सेज आप लोगों के इसके रहते हैं. तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, और फिर आप मुझे इसके आंसर शेयर करो और मैं फिर आपसे उसको डिस्कस करता हूँ. सो यू विल रेज योर हैंड फर्स्ट. पहला एरर कौन बताने जा रहा है? मुस्तफा, आप बताइए कि हमें पहला एरर जो है वो कहाँ मिल रहा है. सर फॉर इंडेक्स जो है वो 1 to 100 50 होना चाहिए। 50 नंबर्स हमने इनपुट कराने, तो जो पहला हमें मिल रहा है इंडेक्स वो मिल रहा है 0 to 100 वाला. तो ये गलती है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने इनपुट कराने 50 नंबर्स, तो वो होना चाहिए 1 से लेकर 50 तक का. तो आप लिखोगे किस तरह? आप इस तरह से मेंशन करते हो कि आप सबसे पहले लिखते हो लाइन 1, और लाइन 1 में लिखने के बाद फिर आप पूरी करेक्शन लिख सकते हो कि फॉर इंडेक्स. दोनों चीज़ें, इधर करेक्शन लिख दो या फिर आप बता दो कि लूप शुड विल लूप शुड आइटरेट फ्रॉम 1 to 50, या फिर ज़्यादा बेटर ये कि फिर उसकी करेक्शन लिख दो. तो ये तो पहला आ गया, मैं डायरेक्ट करेक्शन कर दूंगा ताकि टाइम ना लगे. 50 नंबर स्टोर्ड देम इन एरे, और उसके बाद कह रहा है ओनली नंबर्स बिटवीन 0 से 100 कैन बी स्टोर्ड. अगला एरर कहाँ नजर आ रहा है? सर ये लाइन नंबर 4 व्हाइल नंबर इस पे भी तो होगा सर, ये 0 से 100 तक होना चाहिए, इन्होंने 50 तक किया हुआ। व्हाइल नंबर जो सर है एंड भी होना चाहिए ना, फोर की जगह एंड होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट मी चेक. लाइन नंबर 4 की आप बात करते हो, कहते हो कि व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0 और सर यहाँ पे व्हाइल की जगह अंटिल होना चाहिए, रिपीट है ना तो अंटिल होगा. हाँ सर, लाइन सर फोर में लाइन तीन फोर एरर्स हैं। लाइन फोर में तीन जी एरर्स जी हैं. सर, तीन अच्छा एरर्स हैं तो सर चलो, आई थिंक और की यूसुफ जगह एंड होएगा। चलो एक ही करके लेते हैं. यूसुफ पहला एरर बताओ. सर वाइल की जगह अंटिल होगा। हाँ, क्योंकि जाहिर है ऊपर अगर आप रिपीट यूज कर रहे हो तो ये वाइल नहीं होना चाहिए, इसकी जगह अंटिल होना चाहिए. शाबाश. और चलो सर और के बजाय एंड। और के बजाय एंड होना चाहिए, क्योंकि उसको बिटवीन 1 to 100 रखना है. और उसके अलावा नंबर इज लेस देन इक्वल टू 100। नंबर इज लेस देन इक्वल टू 100, तो इसके 3 एरर्स यहाँ आ गए. ठीक है, उसके अलावा और क्या चीज़ है? 3 एरर्स तो हमें यही पता चल गए. इंडेक्स इंडेक्स +1 इंडेक्स इक्वल्स इंडेक्स +1, इसकी ज़रूरत हमें है ही नहीं. ऐसा ही है ना, ऑलरेडी ऑलरेडी हमारा फॉर चल रहा है. तो और नेक्स्ट इंडेक्स होना चाहिए. अब नेक्स्ट आप नंबर क्या? अगर नेक्स्ट देखो, इंडेक्स. फॉर फॉर के साथ जो वेरिएबल है वो इंडेक्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट के साथ जो है वो नंबर हो रहा है. तो क्या होना चाहिए? नेक्स्ट इंडेक्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर नहीं इंडेक्स। होना चाहिए, इसकी जगह नेक्स्ट इंडेक्स होना चाहिए. तो ये एक एरर इस तरह से आ जाएगा. तो बच्चों सबको समझ में आ गया ये, होपफुली. ठीक है, जी आगे सर। बढ़ते हैं. सो सर ये जो कोड पे जो जितने भी लाइन है वो बता दें, विजिबल नहीं हमारा सही. जो क्या कह रहे हो? कोड पे जो आपने लाइनें बनाई है हम चलो इसमें लिखा उसके. हुआ है, इसको मैं इसी पर डिस्कस कर लेता हूँ. ठीक है, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा तो एक नया सवाल भी हम कर लेंगे. तो यहाँ देखते हैं बच्चों, वो हमसे कह रहा है कि एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन सुडो कोड टू इनपुट सम नंबर. कुछ नंबर इनपुट होंगे. इट ओनली आउटपुट नंबर एनी नंबर. इट ओनली आउटपुट एनी नंबर दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100. तो वो आउटपुट करेगा वो नंबर जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है. द नंबर 999 इज नॉट आउटपुट एंड स्टॉप्स द एल्गोरिथम. 999 पे वो रुक जाएगा. ठीक है, अब यहाँ अगर आप देखो ये कोड है, इसमें कहता है, अगर आपको विजिबल हो रहा हो,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट नंबर और नीचे लिखा हुआ है वाइल नंबर्स। तो एक तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर मैं इसको रब करूँ तो आपको एक एरर यहाँ नजर आ रहा होगा कि ऊपर जो चीज आप नंबर करा रहे हो और जब उसको वाइल से चला रहे हो तो वो नंबर्स के नाम से आ रही है। तो क्या पहली गड़बड़ आपको नजर आ रही है यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर आप इनपुट नंबर का वेरिएबल करा रहे हो ये गलत लेकिन वाइल में जो चेक कर रहे हो वो नंबर्स के है नाम नंबर। से, तो क्या गलती होगी नहीं होगी? यस जी सर सर, गलती होगी। तो लाइन नंबर टू के ऊपर ये गलती आ रही है कि नंबर शुड बी अ नंबर, यानी नंबर शुड बी अ नंबर। मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास नंबर्स, तो ये जो एस लगाया हुआ है तो इसको नहीं होना चाहिए, तो नंबर्स शुड बी नंबर। ये गड़बड़ आ गई। अच्छा जी, फिर वो कहता है कि दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अगर आप इस जगह ध्यान दो तीसरी लाइन पे आ जाते हैं, तीसरी लाइन पे कहता है कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100, इफ नंबर ग्रेटर देन 100, नंबर अगर ग्रेटर देन 100 है तो। लेकिन उसने जो हमें सवाल में दिया है वो दिया है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसने जो जोर दिया है वो इक्वल टू पे दिया है। क्या हमें यहाँ ग्रेटर देन के बाद कुछ इक्वल नजर आ रहा है? नो सर, नहीं नजर आ रहा जो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है। तो इसका मतलब है यहाँ क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल आना, ग्रेटर देन। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। तो वो मैंने मेंशन देखो यहाँ कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना? तो ये इस ग्रेटर देन की लाइन के बाद मैंने यहाँ पर एक लाइन डाली है और मैंने नीचे पर लिखा है कि लाइन नंबर 3 के ऊपर आपने लिखना है नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। एक ये चीज आ गई। आगे जाते हैं, आगे जाके अब हम देखें, अगर लाइंस तो चल रही है जैसे ये 1 आ गई, ये 2 आ गई, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, 7 लाइंस आ रही हैं। तो वाइल जब मैं आपको करा रहा था मैंने आपको एक बात बताई थी कि वाइल में जब वैल्यू ऊपर जाती है तो अगर आप गौर करो तो आपने यहाँ इनपुट नंबर कराया, वो नंबर यहाँ पे आपने करेक्शन करा ली, सही हो गया, नंबर चेक भी हो गया और उसने नंबर को आउटपुट भी करा दिया। अब जब ये एंड इफ करके एंड वाइल पे जाएगा तो एंड वाइल डेफिनेटली उसको ऊपर भेजेगा। तो मैंने ये एरो बनाया हुआ है और इस एरो में मैंने यही बात समझाई है कि अगर आपने, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि मैंने इनपुट नंबर में 50 डाला, ठीक है, तो वो ये चेक करेगा कि क्या 50 जो है वो 999 के बराबर तो नहीं है, 50 नॉट इक्वल टू 999। तो फिर उसके बाद वो आगे बढ़ा तो उसने बोला कि जो 50 है वो 100 से बड़ा इक्वल है, नहीं है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, नहीं है। तो फिर उसके बाद आउटपुट नंबर होता है इफ वाले केस में तो नहीं होगा, तो अब ये एंड इफ हो जाएगा। एंड इफ के बाद जब ये एंड वाइल पे जाएगा तो मैं ये बता रहा था कि एंड वाइल भेजता है इसी तरह ऊपर अपने पास वाइल की तरफ, तो जब एंड वाइल वाइल की तरफ भेजेगा तो नंबर में कौन सी वैल्यू आ रही होगी ये बता दो। जब ये एंड वाइल दोबारा वाइस इसे एम ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू जो 20 जो 50 मैंने वैल्यू दी है वो वैल्यू जो है इसके अंदर आ रही होगी, तो अब यहाँ क्या होगा? यहाँ ये होगा कि यही 50 की वैल्यू बार बार चलती जाएगी। तो आपको अगर याद हो वाइल कराते हुए मैंने एक बात बताई थी कि देर आर सम सर्टेन केसेस जिसमें हमें एंड वाइल से पहले पहले, यहाँ आप देख भी सकते हो कि मैंने मेंशन कराया है, यहाँ यानी एंड वाइल से पहले पहले मैंने एक चीज कराई है इनपुट नंबर। ये इस बात की इंडिकेशन है कि आप जब दोबारा नया आउटपुट देने के लिए जाओगे, क्योंकि उसने तो नंबर इनपुट करने हैं, क्या कह रहा है तू, इनपुट सम नंबर्स, वैसे उसने लिमिट तो नहीं दी है, उसने ये बोला है कि 999 जब तक ना आ जाए तब तक चलना चाहिए। तो वो ये कह रहा है कि अगर आपने पहली दफा 50 दिए तो अगली दफा जो इनपुट नंबर दोगे उसके लिए आपको दोबारा से एक इनपुट नंबर का वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, वो हर दफा एक नया नंबर ऊपर लेके जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये गलती ये भी है कि लाइन नंबर 7 के ऊपर इनपुट नंबर इज मिसिंग, ठीक है, इनसाइड लूप। तो लाइन नंबर 7 के ऊपर इनपुट नंबर मिसिंग है, इट शुड, ठीक है, और उसके बाद क्या था, इट शुड कम आफ्टर एंड इफ, और फिर उसको ये कह रहा है कि फिर एंड इफ के बाद आपने इस्तेमाल करना है। तो ये आपने लाइन यहाँ पे तो ये लिखी हुई वाली होगी, बात वापस समझा लेंगे। ये वाली बात वापस समझा देता हूँ। अज्यूम करो ये तुम्हारे पास सवाल है, उस सवाल में तुम कोई वैल्यू इनपुट करा रहे हो, क्या वैल्यू इनपुट करोगे? 55 55। तो नंबर में करेक्शन होने के बाद यहाँ नंबर में 55 आ रहा होगा, ऐसे ही है,
जी वो सर, ये चेक करेगा 55 greater than equal to 100, नहीं है। तो जब नो नहीं सर, है तो एंड इफ होगा, और एंड इफ के बाद एंड वाइल इसको दोबारा ऊपर भेजेगा। जी सर, तो जो उस फिर जब वाइल की कंडीशन चेक होगी नंबर के लिए, उस वक्त नंबर में वैल्यू क्या होगी? 55 ही होगी। 55 ही होगी। तो इसका मतलब है गड़बड़ हुई ना। इसको एक लूप खत्म होने के ओ मैं बाद जो समझ आ अगली गया, वो वैल्यू, आइट्रेशन नहीं हो रही है फिर सर, वो फिर प्रॉपरली नहीं हो अगली रही है। मतलब अगली वैल्यू जो लेगा उसको तो फ्रेश इनपुट होना चाहिए ना। तो जी सर, उसके लिए समझ फिर आ आप गया। दोबारा उसके लिए दोबारा से आप यहाँ पे एक बार इनपुट नंबर ले लोगे। इसकी वजह से ये होगा कि जब भी आप वाइल पे जाओगे तो आप हमेशा इसकी कोई नई वैल्यू लेके जा रहे होगे। तो फिर अगर आपने इनपुट नंबर में एक वक्त ऐसा आएगा 999 रख दिया, तो फिर आपका लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। माइक पे तोड़ने जल्दी पड़ेगा से बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आई? क्लियर जी सर, समझ आ गया। सर। अच्छा जी, और आखिरी क्या चीज थी भाई? आखिरी ये थी कि फिर कह रहा था आउटपुट नंबर, तो उसमें से ये बात बताइए कि इस पूरी जगह पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि नंबर को आउटपुट कराना है, तो ये आखिर में आउटपुट नंबर लिख रहा है। हालांकि अगर आप पूरा सवाल पढ़ो एक बार गौर से, तो इसने बोला एल्गोरिथम लिखा जाएगा इनपुट कराने के लिए कुछ नंबर, और इट ओनली आउटपुट एनी नंबर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो वो जो कोई भी नंबर है उसको आउटपुट करेगा जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है। तो आउटपुट वाला काम तो विद इन लूप हो ही रहा है, तो फिर ये जो बाहर आउटपुट नंबर है ये किस काम का? ये किसी काम का नहीं है। तो इसलिए उसने आखिर में लिखा है लाइन नंबर 8 में कि फाइनल आउटपुट नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड। बताइए बच्चों। सर हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कह रहे कि जो लूप के अंदर वाला आउटपुट नंबर है वो फालतू है। नहीं ना, आप सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। आप सवाल यहाँ से पढ़ो जो लास्ट सेकंड लास्ट लाइन है, वहां से सेकंड लास्ट नहीं, यहाँ से पढ़ो। टू इनपुट सम नंबर इट ओनली आउटपुट्स एनी नंबर दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। तो मतलब ये जो सर अगर कंडीशन, दरमियान वाला हटा दें और सिर्फ वो आखिर वाला रखें तो मतलब सर एक ही नंबर आउटपुट होगा ना। कौन बताएगा? हाँ, जब अगर तुम दरमियान में हटा के और आखिर में रखोगे तो वो तो सिर्फ एक ही नंबर, जो सबसे लेटेस्ट नंबर आखिरी आउटपुट हो रहा होगा वही होगा जी सर, ना। मैं सिर्फ ये कंफर्म कर रहा था। ओके हाँ ऐसे ही है भाई। ठीक है, अब्दुल्ला, आयशा, अलियान, अरीशा, अस्का, ईशाल, जबीर, कुलसुम, सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर, मुस्तफा, मिन्हा, यस तकी, सर, जी ताक, दहा, जीमल, नमीर, जोहा। क्लियर है, आगे जाते हैं अगले सवाल की तरफ। वी हैव दिस क्वेश्चन फ्रॉम स्पेसिमेन पेपर 2, 3 और 2B। ठीक है, 2, 3 का 2B है ये, 2A भी है, 2B भी है। द लास्ट वी वर डूइंग वाज फ्रॉम 2A, अब हम जो कर रहे हैं वो 2B से है। तो इसकी तरफ आ जाते हैं। इसमें जो हमें दे रहा है वो ये कह रहा है सेक्शन ऑफ प्रोग्राम कोड आस्क फॉर 80 नंबर, 80 नंबर लेगा जो 100 से 1000 के दरमियान होंगे। सुडो कोड चेक देता है नंबर आर इन करेक्ट रेंज एंड, मतलब ये चेक करेगा कि वो 100 से लेकर 1000 तक होने चाहिए एक बात, और वो 80 नंबर इनपुट करा रहा है, 80 नंबर। एंड फिर रेंज एंड देन स्टोर द वैलिड नंबर्स इन एरे, फिर जो नंबर आ रहे होंगे उसको एरे में स्टोर भी कराएगा, उसको एरे में स्टोर भी कराएगा। उसके बाद अगला क्या काम क्या करेगा? इट काउंट हाउ मेनी ऑफ द नंबर आर लार्जर देन 500, क्योंकि 100 से 500 के दरमियान वो नंबर ले रहा है, तो उसमें 500 से भी जाहिर नंबर ज्यादा आ सकते हैं, इनपुट करा रहे हो रैंडम। एंड देन आउटपुट द रिजल्ट विद फिनिश, तो काउंट हाउ मेनी ऑफ द नंबर, तो फिर ये भी काउंट करेगा कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 500 से ज्यादा हैं। यानी ऐसे समझ लो कि उसने आपसे 80 नंबर को इनपुट लेना है, 80 नंबर में से हर एक नंबर को ये देखना है कि क्या वो 100 से लेकर 1000 के दरमियान है। और जब ये चेक करेगा कि 100 से 1000 के दरमियान है, तो उसमें जब भी नंबर 500 से ज्यादा आ रहा होगा तो वो उसको काउंट कर लेगा कि ऐसा जो है वो कितनी दफा हुआ है कि नंबर जो है वो 500 से ज्यादा रहा है। तो चले जी, आप लोगों से फीडबैक लेना शुरू करते हैं इसका। तो माइक पे मुझे बताओ जरा, ये पहला एरर आपको कहाँ नजर आ रहा है और कौन बता रहा है? सर काउंटर सर पहला कौन सा लाइन है? नंबर 4 पहला बता रहे हो लाइन नंबर 4 के ऊपर है, और वो क्या है? 1 0 जीरो सर, इट जीरो शुड वन बी अच्छा सर ऊपर लाइन वाला। नंबर 4 पे ग्रेटर देन 99 एंड लेस देन 1001। यस सर, ये चेंज होगा। अच्छा 1, 2, 3 में कोई एरर नहीं है? 1, 2, 3 क्लियर है? थर्ड थर्ड में में आउटपुट रेड। काउंटर है, अच्छा 1 में कौन बता रहा है? 1 में क्या कह रहे हो? काउंटर 0।
काउंटर जीरो है, क्या ये सही एरर है? सर ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, इनिशियलाइज टू जीरो है ना, क्योंकि वो आगे वेरिएबल है। हाँ सही है, आगे सही है। ये काउंट किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? ये इस्तेमाल हो रहा है वो जो चेक करेगा कि नंबर 500 से सर ज्यादा ग्रेटर है देन कितनी 500 दफा, वाले ग्रेटर वो देन 500। तो बेटा 1 सही है, 2 1 से लेकर 80 तक बिल्कुल सही चल रहा है। इनपुट नंबर में नंबर की जो सारी चीजें हैं, इनपुट है नंबर बिटवीन दिस 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 और इनपुट नंबर करा रहे हैं। लाइन सर नंबर फोर फोर, में एरर, वो 1001 है वो चेंज हो सेवन गया। में, हाँ तो वो कह रहा है लेस देन इक्वल टू 999 एंड नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1001। तो सर अगली लाइन इसमें में भी एरर है, सर नहीं, इसमें एरर क्या है ये बताओ, लाइन नंबर फोर ये में 1001 चेंज होगा ना। सर कह ये रहे इंक्लूसिव है ना, तो इंक्लूसिव करना सर पड़ेगा। ग्रेटर देन आएगा, नंबर इज ग्रेटर देन नाइनटी नाइन ग्रेटर देन, एंड लेस देन 1001। तो इसमें आपको जो करेक्ट करना होगा वो ये करना होगा ना, क्योंकि वो कह रहा है कि बिटवीन 100 एंड वो, तो कह रहा है कि भाई नंबर, अच्छा एक चीज और भी तो चेक करो ना, वो तो ये चेक कर रहा है कि ये इससे सर रेंज ये के तो बाहर है। सही है, आगे थोड़ा सा लाउड बोलो, आगे मुझे आवाज सही नहीं आ गई, क्या लिखा लिखा हुआ है? हुआ है ना, लाइन फोर में गलत नहीं लग रहा है, लाइन फाइव में लग रहा है, उसमें आउटपुट करके दिस इज इनकरेक्ट वाला आ रहा है ना, देखो इनपुट तो नंबर बिटवीन दिस व्हाइल नंबर, हम व्हाइल की कंडीशन को चेक करते हैं ना, व्हाइल क्या कहता है, व्हाइल नंबर इक्वल टू दिस प्लीज ट्राई अगेन। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि अगर नंबर 99 से छोटा है और नंबर 1000 से बड़ा है, तो इसका मतलब है वो आउट ऑफ द रेंज ले रहा है। तो ये जो हाँ है वो इस तरह से पढ़ो, तुम लोग ये नहीं समझो कि वो जो है ना ग्रेटर देन नाइन, देखो आप उसको ये नहीं समझो कि वो ये बोले कि ग्रेटर देन 99 होना चाहिए और एंड लेस देन 1000 होना चाहिए, लेस देन 1001 होना चाहिए, इसको ऐसे नहीं पढ़ो। वो तो ये कह रहा है कि अगर नंबर आपका 99 है या 99 से छोटा है, और आपका नंबर अगर 1000 से बराबर, 1001 के या 1001 से बड़ा है, तो फिर इसका मतलब है वो रेंज से बाहर है। वो ये बात समझा रहा है आपको। अब आ रही तो है बात समझ, सर या एंड की जगह और होना चाहिए ना। यहाँ पे एंड की जगह और होना चाहिए, क्योंकि एंड का मतलब तो है कि वो तो फिर दोनों कंडीशंस पे देखेगा ना, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है, कंडीशन पर आप यहाँ किसकी, पे एंड लिखा हुआ है, नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 इंक्लूसिव। कंडीशन के हिसाब से देखो ना, ये वाले एंड, ये लॉजिकल एंड नहीं है, ये कंडीशन ये कह रहा है। देखो इसका मतलब तो ये है कि वो ये चेक करेगा कि नंबर अगर आपके पास दोनों में से किसी भी एक जगह से बाहर होगा तभी पकड़ेगा ना। अगर आप ये दोनों कंडीशन के बीच में एंड लगा दोगे तो ये तो दोनों कंडीशंस को देखेगा कि नंबर का लाजिम है कि वो 99 से छोटा हो और नंबर का लाजिम है वो 1000 से बड़ा हो। क्या ये जरूरी है दोनों चीजों की तरफ चेक करना? कोई एक ही चीज चेक करेगा ना, अच्छा हम्म, ये बातें समझ पा रहे हो? नंबर वो मतलब ये कंडीशन सही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ और का फर्क है। वो तो ये कह रहा है कि अगर नंबर 99 या 99 से छोटा है तो आउट है, बिल्कुल सही तो कह रहा है, दिस इज इनकरेक्ट प्लीज ट्राई अगेन। अगर 99 से छोटा है ठीक है, 100 तो ठीक है, 99 से छोटा है ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू 99, और फिर क्योंकि इसमें और लगना चाहिए, और नंबर जो है अगर आपके पास 1001 से बड़ा है या बराबर है, जाहिर है सही है 1001 से बड़ा है और बराबर है, तो इसका मतलब है वो आउट ऑफ द रेंज आ रहा है ना। अब आती है बात समझ में, एंड गेट का मतलब होता है दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, दोनों कंडीशन का ट्रू होना थोड़ी जरूरी है। नंबर अगर 1001 से ज्यादा या बराबर है तो भी रेंज से बाहर है, और उसके अलावा नंबर अगर 99 से कम है तो भी बाहर हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ और लगेगा। क्या ये बात आप लोगों को ठीक से समझ में आई बच्चों? यानी ये कंडीशन आपने बतानी है, आपने जी बताना है लाइन नंबर सर फोर नहीं यहाँ। आगे समझ में, अगर एक्चुअल हम पूरी स्टेटमेंट को चेंज कर दें, ना कोशिश ये होती है कि जो गिवन जगह पर मसला है उसी को आइडेंटिफाई करो। अब तुम अगर अब उसको बोलने लगो कि तुम तो फिर पूरा अपना, हालांकि उसने गलत थोड़ी कहा, उसने सिर्फ और सिर्फ जब फर्क यहाँ पर एंड और का है, तुम अगर उसको सही करोगे तो तुम तो ये करोगे कि भाई वो वैल्यू जो है वो बिटवीन ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए लेस देन, और वो ग्रेटर देन 99 होनी चाहिए और लेस देन आपके पास 1001 होनी चाहिए, आप उसको फिर पलट के ये कर दोगे, तो ये थोड़ी बोल रहा है। वो तो कह रहा है कि जो गिवन है उसके हिसाब से उसको चेंज करो। आगे बढ़ जाऊं? ठीक जी सर, है जी सर, सेवन, हाँ जी। अब आगे कहता है फोर के ऊपर गड़बड़ है, उसके अलावा कहाँ नजर आ रही है आप लोगों को? सर फाइव में फाइव भी गलती है, फाइव में भी में आउटपुट होना चाहिए। फाइव में है इनपुट, दिस इज इनकरेक्ट प्लीज ट्राई अगेन। नहीं ना, वो ये कह रहा है कि अगर नंबर रेंज से बाहर होगा तो दोबारा इनपुट ले लो, क्यों गलत होगा? ओके सर, सही सर है। लाइन लाइन सेवन फोर के एंड में डू नहीं आएगा, लाइन फोर के एंड में डू क्या आना नहीं चाहिए?
टू। मैंने आगे इसी में देखा ये डू जो है ये इसी लाइन में एज ए सेम एरर काउंट हो रहा है। जैसे डू यहाँ आ जाएगा अगर हाँ मैक्सिमम लगाना भी चाहो तो, ठीक जी है बस ये है। ठीक है, एक्चुअल एरर जो नजर आ रहा है ना वो आ रहा है मुझे नजर लाइन नंबर 7 जिसमें बताया था ना, क्योंकि लाइन नंबर 7 पे उसने यहाँ पर डाल दिया है 80 को। क्या इंडेक्सिंग में डायरेक्ट नंबर डाला जाता है? नहीं सर, नहीं सर आई थिंक इंडेक्स के मतलब लिए इंडेक्स लिखा जाएगा शायद। है ना, तो कहता है कि आप मतलब इंडेक्स की वैल्यू वो होगा ना जो लूप चल रहा है, यहाँ लूप का वेरिएबल क्या है? सर इंडेक्स इंडेक्स। तो हम यहाँ इंडेक्स पर लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इसको चेंज करके कि नम नाम इंडेक्स नंबर और इंडेक्स और उसके अंदर डाल देंगे नंबर को। तो क्या होगा, इंडेक्स 1 होगा तो पहला नंबर जाएगा, फिर इंडेक्स 2 होगा दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर चलता चला जाएगा। अगला एरर कहाँ है बच्चों? लाइन नाइन इंडेक्स इक्वल्स टू 18 लाइन नंबर नाइन पे, नाइन लाइन नंबर नाइन पे अंटिल बोल रहा है, तो अंटिल के नेक्स्ट लिए रिपीट इंडेक्स तलाश नंबर। करो। रिपीट तो है नहीं, तो इसका मतलब है ये अंटिल इज द गड़बड़। तो उसके बाद नेक्स्ट नाइन पे आ जाओगे और नाइन पे आप फिर लिखोगे फॉर, नेक्स्ट और नेक्स्ट नहीं लिखोगे फॉर का नेक्स्ट लिखोगे, तो बिल्कुल नेक्स्ट इंडेक्स होगा। नेक्स्ट कर लोगे और नेक्स्ट इंडेक्स लिख लोगे। कितने एरर हैं इसके अंदर? चार है ना, चार। बकरी वाला प्रिंट इंडेक्स है 9 10 यहाँ पे। ये तो टेन लाइन और 11 इलेवन में प्रिंट कह रहा है, प्रिंट इंडेक्स क्या होना सर, चाहिए? प्रिंट प्रिंट काउंट काउंट, इंडेक्स होगा। काउंट प्रिंट काउंट होना चाहिए, क्योंकि इसने बोला देन आउटपुट द रिजल्ट व्हेन फिनिश। हाउ मेनी, कितने? तो कितने को जो काउंट कर रहा था वो कर रहा था आपका ये वाला काउंट। तो अब हम लिखेंगे प्रिंट नंबर और लार्जर, प्रिंट इंडेक्स नहीं लिखेंगे, इंडेक्स लिखते तो फिर हमारे पास आखिर में आई गेस 80 आ रहा होता, वो गलत होता। तो लाइन नंबर 10 पे हम लिखेंगे प्रिंट काउंट, क्योंकि काउंट ये बताएगा कि कितनी दफा ऐसा हुआ था जो नंबर 500 से सर मेरा मतलब है हम ज्यादा। प्रिंट नम इंडेक्स नहीं लिख सकते हैं। हम प्रिंट नम इंडेक्स नहीं लिख सकते ऐसे, प्रिंट नम इंडेक्स जी सर, तो फिर क्या गड़बड़ होती? तुम पहले सर बताओ उसमें नम कहाँ सारे है यहाँ पर? नंबर्स ग्रेटर देन 80 आ जाते ना आउटपुट। नम है कहाँ पूरे सवाल में? नम का इस्तेमाल हुआ है जी सर, लाइन नंबर 7। 9 नंबर 7 पे? नम इस्तेमाल हुआ, ठीक है नम ऑफ इंडेक्स कह रहे हो तुम, कह रहे हो जी प्रिंट नम सर, ऑफ इंडेक्स नहीं, तो फिर पता है गड़बड़ क्या होती? तो फिर ये 500 के अलावा वाले नंबर को भी तो आउटपुट नहीं करता ये, बल्कि अगर तुम वो आखिर में नम इंडेक्स लिखते ना, मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम ये नम इंडेक्स की आखिरी लाइन लिखते ना, तो नम ऑफ 80 के ऊपर जो पड़ा हुआ होता बस ये उसको प्रिंट करता, क्योंकि फॉर ये जो जब लूप खत्म होता तुम्हारा, जब तुम अंटिल के बजाय यहाँ पे नेक्स्ट लिखते और जब 80 दफा नंबर पूरे हो जाते तो तुम्हारे पास इंडेक्स में 80 पड़ा हुआ तो सर वो होता, लेटेस्ट वैल्यू लेटेस्ट वाली तो सिर्फ डालने वाले नम दिक्कत ऑफ ना। 80 के अंदर एक ही नंबर पड़ा होता वो दिखाता, तो मैं वो थोड़ी चाहिए तुम्हें, तो काउंट बताना है ना बेटा कि कितने नंबर ऑफ काउंट कितने ओके सर, नंबर कितनी दफा ऐसा हुआ है कि नंबर 500 से ऊपर गया। बच्चों समझ में आता है, क्लियर है ये? ठीक जी सर, है जी, तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से, फिर कल टेस्ट की टाइमिंग्स पहले देख लेते हैं और फिर क्लास भी है, सर तो आप डिस्कस एक करते चीज हैं कल करते हैं टेस्ट किस टाइम पे दोगे। सर, आपने जो भी वो जो 15 मार्कर